आपके तो दरअसल ही दुर्लभ बड़ी कृपा आपकी, आज सुलभ हो गई बाबा। कैसे हो आप? बढ़िया बाबा, आशीर्वाद आपको। बाबा मैं भी आया हूँ। लालू भाई ये वो जन है जिनकी जो पत्नी है वो बरसाने की सखी है। जब हमें कहीं रोटी नहीं मिलती तो आखिरी घर में इनके जाते थे मांगने और कहते कि राधे बाबा मिली, तुम चुप नहीं मिली बाबा ना? हाँ माता जी नहीं। अरे बैठो बाबा बैठो, बैठ नहीं मतलब एक जगह पाना। अरे बाबा हमारी श्री जी का तू है, काहे को सब प्रपंच सोचता है एक जगह पर बैठ। सालू प्राय मिलती ही नहीं थी शाम की रोटी तो लीक है। मतलब माँ जैसे प्यार करने या ब्रजवासियों का प्यार, मतलब अगर छोटे छोटे बच्चे ऐसा ये घेर लेते और बाबा ये प्रश्न वो बाबा काशी की बात बताओ बाबा, मतलब ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना वही भगवत प्रेम प्रदान करता है ब्रजवासी कृपा। अब ये बालक था, इससे कहा लालू भैया यार मेरे सौभाग्य में तो नहीं आ रहा कि मैं वृंदावन वास करूं, तू बोल दे तो मुझे विश्वास है वृंदावन। बोले जा बाबा हो जाएगा वृंदावन। लालू को दे दियो वो होली की वो माने ललता ने भेजी है बाबा। अच्छा अच्छा प्रसादी बाबा चुंदरी बरसाने गई ना बादन होली वाले दिन जी, तो बादन लाड ली जी बाबा बहुत बहुत उनकी ओड़ी भैया महाराज जी ओड़ी भैया श्री जी की चरण प्रसादी हो जी। हाँ कौन प्रश्न कर रहा था? वो इलके दरअसल वेला थे एकदम पुराली याद आ गई कि बहुत बहुत इनके जो पिताजी थे ना गृहस्थ में रहते हुए परम सन्यासी, मतलब ऐसी सदगति तो बहुत बड़े परम हंसों की होती जैसे तुम्हारे बाबा की हुई ऐसी मतलब आंखों देखी बात, एक बूंद पानी नहीं, एक अन्न का टुकड़ा नहीं, बच्चों की तरफ आंख खोल के देखना नहीं। अंतिम जो स्थिति थी ना केवल बिहारी जी भगवदाकार वृत्ति सर, हमें लगता कई दिन तक ऐसी स्थिति रही कि उन्होंने पानी भी नहीं पिया। बरसाने बोले दर्शन करके आऊंगो, बरसाने से दर्शन करके जैसे ही घर आए बोले आज से मेरा अन्न बंद है, अन्न नहीं लूंगा खाली दूध लूंगा और ठाकुर जी को चरणाम लूंगा। आखिरी दिनों में ऐसा सूख के शरीर ऐसे जैसे योगियों का प्राण जाता है ना ऐसे इनके बाबा बिल्कुल निरपेक्ष, ना बच्चा ना बच्ची ना बहू किसी से कोई मतलब, गृहस्थ और जीवन भी सन्यासी जैसा। 4 बजे तड़के लंगोटी पहन करके यमुना किनारे भीषण सर्दी में जहाँ अच्छे अच्छे काप जाए इनके बाबा ऐसे फिर चिड़ियों को लमकी चला सब कोई संत अगर प्रणाम कर दे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु और इष्ट की कसम है अगर प्रणाम किया ऐसे कहा बिल्कुल इस सख्त ये गृहस्थ जन रही है ये ब्रजवासी भगवत स्वरूप है। मन में वासना में जी आती है उनकी बाबा, मैं अपने मन ही मन में आपसे कभी कही नहीं आज कह रहा हूँ बाबा चैन से रहो चक्कर भजन करो तुम्हें ठाकुर जी मिलना है जी बात कहते हो। हमें पता है आप सबके आशीर्वाद से ही नहीं तो अब कब तो देखो इनकी रोटी पा करके हम जिए हैं। आज भी बच्चा भगवत कृपा से हमारे भोजन में पहले ब्रजवासी का नाता है, 3-4 ब्रजवासी हैं जिनकी रोटियां आती हैं तो हम जीते भी ब्रजवासी। देखो चाहे जो बच्चू भी हो एक बात काम की बात ये सब तो बात तो बहुत है, अब कोई दिन जब चिंतन में एकांत में बैठो तो एक बार बाबा श्री जी से ठाकुर जी से कह दियो कि तुम्हारा अधम बालक है बाबा ध्यान रखियो। क्या ध्यान में रख ला है उनको? बस ध्यान में जी रखियो बाबा कि हमारा जन्म व्यर्थ नहीं चला। वो तो पास है ये तो पक्का, आप समझो जब आप खेलने खालने तो बड़े बड़े सिद्धों की चरण धूलि पड़ी तां तुम्हारा जन्म हुआ है। इस बात को तो भूल जाओ, तुम इस बात को भूल जाओ कि कोई गति या दुर्गति ये किसी साधन वाला क्षेत्र नहीं है, भजन तो हो ना। उसकी चिंता भी मत करो, काहू के बल भजल को काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाव पसार। अगर आपको ऐसा है कि बाबा हमारे बिहारी जो हमारे तो आप निश्चिंत रहो पासबुक बनी बनी है एकदम, बस वो बैंक से निकालना है केवल, बिल्कुल पक्का समझो। वृंदावन में लिखो रहे ना मेरा वृंदावन ऐसे मेरे बाबा जो कहते ना ये इनके प्रकार से कछु भी हो कैसे भी हो कोई ना कोई संत भगवान स्वरूप में ऐसे 9 बजे तक दोनों लगे रहते। हमारे पिताजी कहते बाबा को बहुत दूर हाँ सीढ़ी से उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते 1 घंटा बाबा इनके आते चलो बच्चों चलो जाले दो बाबा को, बाबा के जाले तो और ये दोनों लगे रहते घर। अब ये चुप होते तो बैल प्रश्न करते जा रहे।